तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फरूकी ने भारतीय बयानात की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भारतीय बयानात कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पर्दापोशी नहीं कर सकते। आयशा फारूकी का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है। कश्मीर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील हल तलब तनाज़े है। हमारा मुतालबा है कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भारतीय बयानात कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पर्दापोशी नहीं कर सकते। सोपूर में भारतीय काबिज फोर्सेज ने 3 साल नवासी के सामने निहत्ते शहरी को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो तमाम मकबूजा इलाकों को खाली करे। 5 अगस्त 2019 के बाद से लागू करदा तमाम सख्त कवानीन को कलअदम करार दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया है कि भारत इंसानी हकूक की तंजीमों, गैर जानिबदार मुबसरीन और आलमी मीडिया को मकबूजा इलाके का दौरा करवाए और कश्मीरियों को अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अपने हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने दे।